सीधा रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो कि दौसा पहुंचे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। भारत को विकसित भारत बनाने की संकल्पना को साकार करने का एक अवसर भी है। विकसित भारत का मतलब हर नागरिक की इनकम को बढ़ाने वाला, भारत को ग्लोबल पावर बनाने वाला, दुनिया का लीडर बनाने वाला, दुनिया को नेतृत्व करता भारत कैसे होना चाहिए, इसके लिए उस प्रकार का नेतृत्व भी चाहिए। और वह करिश्माई नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व, मोदी जी का हम सबके सामने है। एक बदलते हुए भारत को हम देख रहे हैं और इस बदलते हुए भारत के लिए आज हम सब आए हैं। दौसा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने श्री कन्हैया लाल मीना जी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है और इसीलिए पूरा मंच आपसे अपील करने के लिए आया है। बहनों और भाइयों, ये कठिन होता है किसी एक प्रत्याशी के लिए कि लोकसभा चुनाव के दौरान वह घर घर जा सके, बहुत कठिन होता है। गांव गांव जाए ये भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि राजस्थान में तो लोकसभा सीट बहुत दूर दूर बहुत फैला हुआ है, काफी विस्तृत है, 8 विधानसभा क्षेत्र का है। इसके लिए आप सभी को कन्हैया लाल मीना बनना पड़ेगा और मोदी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा। सहमत है ना? आज 7 अप्रैल हो गई है, 7 अप्रैल आज हो गई है, 19 को वोट होना है। आपके पास 11 दिन का मात्र समय है, तो 11 दिन के लिए खेती बाड़ी के समय के लिए कुछ समय निकाल करके शेष समय प्रतिदिन 8 से 10 घरों के से भी संपर्क करके आप श्री कन्हैया लाल मीना बन करके एक एक घर में जाएंगे कि यह चुनाव देश के लिए है और इस देश के लिए काम करने के लिए है। यह अगर आप बोलेंगे तो बहनों और भाइयों, कोई कारण नहीं कि आम जनता जनार्दन फिर से मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री न बनाए। लोग तो तैयार हैं, पूरे देश के अंदर आवाज है, पूरे देश के अंदर अकेले उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीट तो उत्तर प्रदेश में ही है। हर जगह बम बम हो रहा है, 17 के पहले वहां बमबाजी होती थी, अब हर हर बम बम हो रहा है, हर व्यक्ति बोल रहा मोदी जी को वोट देंगे। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर मजदूर को, हर श्रमिक को उपलब्ध करवाया है, बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाया है। महापुरुषों का सम्मान कैसे होना चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मृति में बने हुए पंच तीर्थ इसके उदाहरण है। महिला आरक्षण का विधेयक भारतीय जनता पार्टी ने पारित किया है, नई संसद में पहला कोई विधेयक पारित हुआ है। तो अब नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ, 33% आरक्षण हर जाति की महिलाओं को प्राप्त होने वाला है नए परिसीमन के बाद विधानसभा लोकसभा के लिए। और बहनों और भाइयों, जो लोग यह आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, वे अपने गिरेवान मर झांकें, देखें अपने गिरेवान को झांक के देखें, जब उनको अवसर मिलता है तो उन्होंने गरीबों की चिंता नहीं की, अपने परिवार की चिंता की। लेकिन मोदी जी के लिए तो 140 करोड़ का भारत ही अपना परिवार है, 140 करोड़ देशवासियों के लिए वे जीते हैं, कार्य करते हैं। कोरोना कालखंड में हम देख चुके हैं, न कांग्रेस का पता था, न बीएसपी का पता था, न एसपी का पता था, न किसी दल का पता था, सारे लोग दल दल में बैठ करके अपने घरों में छुपे हुए थे, कोई विदेश यात्रा पे चला गया था, लेकिन अकेले मोदी जी थे जिन्होंने देश के अंदर जाकर के, अलग अलग जगह जाकर के दुनिया की सबसे बेहतरीन वैक्सीन भी
अपने वैज्ञानिकों से देशवासियों को उपलब्ध करवाई, दो वैक्सीन उपलब्ध कराई और हर भारतवासी को फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार, फ्री में राशन, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का काम किया। कांग्रेस का समय होता क्या होता, ये फ्री में राशन की बात आप कर रहे हैं, उस समय तो डकैती पड़ती थी, गरीबों के हकों पे डकैती पड़ जाती थी और किस प्रकार का लोग व्यवहार करते थे। जम्मू कश्मीर में इन्होंने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था, मोदी जी ने वहां पर धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद भी समाप्त किया, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पहली बार जम्मू कश्मीर में आरक्षण की सुविधा का लाभ मोदी जी ने दिया है। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है।